तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं एक और अपडेट वाले वीडियो के साथ। इस OB44 अपडेट में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और मेरा वो काफी सारे वीडियोस में बताया है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को फिर से बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि OB44 अपडेट में कंफर्म है। लाइक क्या आपको बताया, इस OB44 अपडेट में हम लोगों को पोरिंग पेट वापस देखने मिलने वाला है। पूरे फ्री फायर गेम का सबसे रेयर पेट है वो है पोरिंग पेट, और फाइनली हमको इतने सालों बाद वो रिटर्न देखने मिलने वाला है। और बस यही नहीं, आपने हमेशा आईडी बैन या फिर आईडी सस्पेंड, आईडी ब्लैकलिस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन इस OB44 अपडेट के बाद एक नया फीचर आने वाला है। एक गरीना की नई पॉलिसी आने वाली है आईडी लॉक को लेके। और अगर आप उन बंदों में से एक हो जो कि बीआर में ग्लिचेस को यूज करके बंदों को मारते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली OB44 अपडेट में। और अगर आप बायो में मतलब जो गेम के अंदर प्रोफाइल में सिग्नेचर वाला पार्ट होता है वहां पे हैकर या फिर पेड पुशर या फिर कुछ भी ऐसा अनयूजुअल चीज लिखते हो तो फिर तो भाई आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे इस वीडियो में देता हूं। तो चलो भाई लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं अपडेट नंबर 7 से। आप सभी को पता है अभी के टाइम पे ट्रेनिंग ग्राउंड में हाल क्या होता है भाई, कोई बंदा कहीं से भी मार देता है। और ट्रेनिंग ग्राउंड बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होता है, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस कम इरिटेट ज्यादा होता है। तो वहाँ पे भी पहला अपडेट आने वाला है अपने एचपी को ही लेके। मतलब अगर आप किसी बंदे को किल करोगे तो आपको शायद थोड़ी एचपी मिलेगी या फिर आपकी एचपी पूरी मतलब 100% हो जाएगी। मतलब 200 एचपी है तो 200 एचपी हो जाएगी। और दूसरा अपडेट ये है ट्रेनिंग ग्राउंड को लेके कि अब आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में डबल एक्टिव स्किल भी देखने मिलने वाला है। अब देखो यार ये कब आने वाला है ये मेरे को नहीं पता, ये अपडेट के बाद अगले दिन ही आएगा या फिर 1 तारीख से आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन OB44 अपडेट में हमको देखने मिलने वाला है। और आपको तो पता ही होगा लोन वुल्फ में भी डबल एक्टिव स्किल होने वाला है। तो चलो भाई लोग ये काफी अच्छी बात है कि भाई डबल एक्टिव स्किल गरीना प्रमोट कर रहा है, उसको खेलने में काफी मजा भी आता है यार। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 6 की तरफ, और ये अपडेट भी मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है। अभी के टाइम पे हम कभी कभी ऐसा होता है कि 10 की स्ट्रिक कर लेते हैं, 20 की कर लेते हैं, 25 की कर लेते हैं, लेकिन हमारे टीममेट को पता तब तक नहीं चलता जब तक हम उसके स्क्वाड में नहीं आते। तो अब जब भी कोई किसी को इन्वाइट करेगा और अगर उसकी विनिंग स्ट्रिक है तो प्रोफाइल में ही शो करेगा, अदरवाइज आप जहां पे इनवाइट करते हो वहां पे विनिंग स्ट्रिक दिखाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है यार, अगर किसी की स्ट्रिक ज्यादा है, किसी की स्ट्रिक तुड़वाना है तो अच्छी बात है भाई, उसको बुला लो अपने नूब स्क्वाड में, या फिर अगर आपकी स्क्वाड अच्छी है और आपको कोई अच्छा बंदा चाहिए तो उसको विनिंग स्ट्रिक देख के भी आप स्क्वाड में ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 5 की तरफ। अभी ये वाला जो अपडेट होने वाला है इसमें ड्रैगन रिटर्न आने वाला है, ये सभी को पता है। और ड्रैगन को मारना है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन की थी, लेकिन ड्रैगन को मारने का भाई मतलब क्या है, मतलब इसको मार के क्या मिलेगा हमको? तो भाई अगर आप इस ड्रैगन को बीआर में मारते हो तो उसके बदले आपको बीआर में 20+ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मतलब कि 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एडवांस और में 10 पॉइंट दिखा रहा था, लेकिन अभी फाइनली केली शो में ये 20 पॉइंट दिखा रहा है। मतलब कंफर्म है कि भाई अब जब आप ड्रैगन को मारोगे वो मेगा ड्रैगन को, तो उसके बाद आपको 20 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा बीआर में, जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा होता है। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग इस ड्रैगन इवेंट के लिए एक्साइटेड हो। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 4 की तरफ, और ये होने वाला है कुछ साइंस को लेकर। जैसे कि अगर आप अकेले टीममेट में बचे हो, आपने पूरे स्क्वाड को रिवाइव कर दिया, तो उसके बाद आपके सर के ऊपर ये गार्डियन करके समथिंग लिखा आएगा। उसके बाद आप किसी बंदे को मारते हो तो फिर ये देखो ऐसे कुछ साइंस वगैरह आते रहेंगे। अब ये क्या होने वाले 100% कंफर्म नहीं है। अगर आप सोलो वर्सेस डुओ करते हो तो मतलब आप अकेले बचो, आपने एक साथ दो बंदे मार दिया तो उसके बाद यहां पे कुछ लिखा आएगा 1 vs 2 hero। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ऐड होने वाली है जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है गेम खेलते टाइम, मतलब कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस की गरीना भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है आपके गेम प्ले को लेके। तो हां ये अपडेट छोटी तो थी लेकिन बहुत अमेजिंग अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 3 की तरफ, और ये पर्सनली मेरा काफी ज्यादा फेवरेट अपडेट होने वाला है। अब हम बात करने वाले आईडी लॉक को लेके। आपने हमेशा आईडी बैन, आईडी सस्पेंड, आईडी ब्लैकलिस्ट और डायमंड रेस्ट्रिक्शन ये सब सुना होगा। तो एक नई पॉलिसी आने वाली है आईडी लॉक को लेके। अब आईडी लॉक के भी 2 प्रकार के हैं, मतलब आपका आईडी लॉक 2 प्रकार से होगा। पहले बात करते हैं जो कि बीआर में कुछ ग्लिचेस वगैरह का यूज करते हैं अब बंदों को मारने के लिए। अब देखो गेम के अंदर ग्लिच है, हम उसका फायदा उठाते हैं, तो इसमें हमारी भी गलती नहीं है और गरीना की तो गलती है क्योंकि तुम ग्लिच सॉल्व नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा कोई ग्लिच है इनविजिबल वाला, जैसे कि पत्थर के अंदर घुस के बंदों को मार रहे हो, वो ग्लिच है, तो उससे आपका आईडी बैन नहीं होगा लेकिन उससे आपका आईडी लॉक हो सकता है। मतलब ग्लिच यूज करके आप उसके बेनिफिट्स ले रहे हो ग्लिच के और सामने वाले बंदों को मार रहे हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपके क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स होने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार ऐसा करते हो तो आपके रैंक को रीसेट कर दिया जाएगा डायरेक्ट ब्रॉन्ज में, और आपके आईडी को नेक्स्ट ओबी अपडेट तक लॉक कर दिया जाएगा। और हाँ, आपको रैंकिंग से भी रिमूव कर दिया जाएगा, इसका मतलब रैंक गेम नहीं खेल पाओगे। और पहला वायलेशन के बाद आप फिर से वही चीज करते हो तो आपके आईडी को परमानेंट लॉक कर दिया जाएगा और आपको रैंक से तो रिमूव कर दिया जाएगा। अब लॉक मतलब बैन होता है क्या मनीष भाई? तो भाई ये मेरे को नहीं पता कि लॉक में क्या क्या चीजें होगी, वो बैन जैसा ही होगा या फिर कुछ और होगा भाई लोग, वो तो मैं अपडेट के बाद ही बता पाऊंगा। लेकिन सच में यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मतलब ग्लिच वगैरह अगर आप यूज करते हो उसके फायदे उठाते हो तो आप पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा?
देखो भाई अब ये घरीना ये पता नहीं भाई, कोई बात पे विश्वास करो कोई पे ना करो, मेरे को नहीं पता भाई ये ऐसा अपडेट आने वाला भी है या फिर नहीं, या फिर बस लोगों को डराने के लिए। बाकी भाई अपडेट के बाद ही पता चलेगा। अब एक और लॉक से रिलेटेड ही एक अपडेट है, हमारे प्रोफाइल में सिग्नेचर वाला पार्ट होता है, मतलब ये बायो वाला, हम लोग यहाँ पे कभी कभी लिखते पेड पुशर या फिर हैक सेलर या फिर आप आईडी सेलर ये सब लिखते हो ना, तो ये सब अब नहीं चलेगा भाई। इसके भी तीन टाइप के वायोलेशन होने वाले हैं अगर आप ये, मतलब ये तो गरेना की पॉलिसी है कि आप लोग पेड पुशर वगैरह कुछ भी बायो में लिख नहीं सकते, अच्छी अच्छी चीजें लिखो जो कि गरेना के रूल्स उसको फॉलो करता हो। तो अगर आप हैक सेलर, हैकर, पेड पुशर और मतलब आईडी सेलर ये सब लिखते हो तो भाई ये तो वायलेशन के खिलाफ है, तो उसमें आप लोगों को तीन बार वायलेट किया जाएगा। पहले वायलेशन में क्या होगा कि आपके सिग्नेचर पार्ट को 90 दिन के लिए लॉक कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट को भी 14 दिन के लिए लॉक कर दिया जाएगा, आपका सीएस और बीआर का रैंक रीसेट कर दिया जाएगा और आपको फिर रैंक से भी रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर आप दूसरी बार यही गलती करते हो तो आपके सिग्नेचर को परमानेंट लॉक कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को भी लॉक कर दिया जाएगा 30 दिन के लिए और उसके बाद फिर भाई आपके बीआर सीएस के रैंक को रीसेट कर दिया जाएगा। और अगर तीसरी बार भी यही गलती करते हो तो आपके अकाउंट को परमानेंट लॉक कर दिया जाएगा। तो भाई लोग ये वाले अपडेट थे आईडी लॉक को लेके। अब देखो ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है गरीना, अगर आप छोटी भी गलती कर देते हो तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अब आने वाले टाइम में आईडी लॉक होना ये तो भाई नॉर्मल हो जाएगा आईडी बैन की तरह, तो आप लोगों को पहले से प्रिकॉशंस ले लेना है और ये वाला फैक्ट अपने सभी दोस्तों को शेयर करो जो कि ये गलती कर रहा है, क्योंकि एक बार आईडी लॉक हो गया तो फिर भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 2 की तरफ। गाइस इस अपडेट के बाद हमारे गेम में फिर से एक ओल्ड मेमोरी को शायद ये लोग वापस लाने की ट्राई कर रहे हैं और ये ओल्ड मेमोरी है ज़ॉम्बी से रिलेटेड। तो हमारे गेम में कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ कह सकते हो मोड्स आने वाले, स्पेशल मोड्स जो कि चैलेंजेस या फिर मिशन को कंप्लीट करने के लिए रहेगा और ये ज़ॉम्बी वाले मोड्स होने वाले हैं। अगर आप इन मतलब इन मोड्स को खेलते हो तो आपको कुछ मिशन कंप्लीट करने रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, उसके बदले शायद कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये हर बार होता है और अब वो मज़ा नहीं आता भाई जो पहले के ज़ॉम्बी मोड में मज़ा आया करता ना, वो अब मज़ा नहीं आता। तो हाँ ये सब ज़ॉम्बी मोड्स भी आने वाले हैं, तो अगर आपको पसंद है तो काफी अच्छी बात है यार, ये भी आप एंजॉय कर लेना। अब भाई लोग फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 अपडेट की तरफ जो कि होने वाला है पोरिंग पेट से रिलेटेड। तो आखिर पोरिंग पेट के बारे में मेरे पास क्या अपडेट है, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो क्या करो मेरे भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लो। और हाँ अगर आप लोगों को ये 100% डायमंड टॉप अप वाला इवेंट कंप्लीट करना है, आपके पास पैसे नहीं है डायमंड टॉप अप करने के लिए, तो हमारे चैनल पर जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोगों को फ्री में कैसे कंप्लीट करना है या फिर आप लोगों को फ्री में कैसे डायमंड्स वगैरह लेना है। लेकिन यार इस वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी मेन फैक्ट बचा है, तो भाई लोग बढ़ते हैं फाइनली अपडेट नंबर 1 की तरफ जो कि है पोरिंग पेट से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारे गेम में एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल आने वाला है जो कि होगा एक वीकली लाइट कर का, उसे आप सब्सक्राइब करके रखोगे, मतलब डायमंड सब्सक्राइब नहीं होगा, उसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो उसके बदले आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। उसमें एक स्पेशल चीज होगा ई बैच, और ये ई बैच का पता नहीं फुल फॉर्म क्या है, ईवो एक्सेस है या फिर क्या है पता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ईवो गन स्किन्स भी होने वाले हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारे पेट भी फ्री मिलेंगे। तो अगर आप इस पेट वाले सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पाओगे पोरिंग पेट को, तो ये जितने ही पेट दिखा रहे हैं अगर सबके सब पेट देने वाले हैं तो पोरिंग पेट भी भाई इसमें हमको दिख रहा है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये आपको हर 30 दिन में इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप मंथली मेंबरशिप करते हो कुछ इस टाइप से। तो जब जब आप मंथली मेंबरशिप परचेस करोगे, मतलब जब भी आप वो ई बैच वाला एक्सेस परचेस करोगे तो उसके बदले आपको पेट्स मिलेगा, तो उस पेट में भाई पोरिंग पेट भी होगा, तो हो गया ना भाई इसकी वापसी। वैसे तो गरेना इसको इवेंट में दे नहीं रहा है, तो चलो अच्छी बात है भाई ये सब्सक्रिप्शन पे ही दे रहा है, और आई होप कि भाई पोरिंग पेट दे, यहाँ पे दिखाया तो गया है पोरिंग पेट दिखाया है तो भाई मे भी मिलना चाहिए, अगर नहीं दिया तो भाई मैं इनको बहुत गाली देने वाला हूँ। बाकी भाई लोग आप लोगों को पोरिंग पेट गेम में वापस चाहिए या फिर नहीं ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आप लोग जो हमारे चैनल पे ये वाली वीडियो देख ले जिसमें आपको पता चल कि आप लोग 100% बोनस टॉप वाला इवेंट कैसे कंप्लीट करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।